अशोक जी, आपसे मेरे दो तीन बुनियादी सवाल हैं, बजट भाषण से हटके सवाल है और बजट भाषण से हंस के ही उनका उत्तर आएगा हटके। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक, अच्छी बात है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे लिए प्रसन्नता और गर्व दोनों की बात है। लेकिन मेरा एक बड़ा सामान्य सवाल, 10,000 रुपया 11 महीने के लिए, वो गलत भर्ती हुए सही भर्ती हुए छोड़ो, हमारे प्रदेश के बच्चे शिक्षा मित्र 11 महीने 10,000, 10,000 में तो मनरेगा मजदूरी नहीं हो रही, मिनिमम लेबर वेजेज एक्ट लागू नहीं हो पा रहा, ये 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जब बजट है हमारे पास, तो हम इनके लिए 25,000 रुपए महीने का, 37,000 रुपए महीने का सम्मानजनक व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते थे? अनुदेशक को जब हमने तय किया था कि 17,000 देंगे तो उसको उस मुकदमा क्यों लड़ना पड़ रहा है? जब हम गरीब थे तो बात समझ में आती थी, आज हमारे पास 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है ना, क्या उसमें इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी? 4 साल का शिक्षा प्रेरक का 2,000 रुपए महीने का मेहनताना बाकी है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं क्या? 2,000 रुपए महीने का मेहनताना मिलता था, वो भी बाकी है। आंगनबाड़ी, अभी ताहिरा जी ने बात उठाई मिड डे मील की, रसोइयों का वेतन उतने में जिए के खाए के मरे, आबकारी सिपाहियों का मसला, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर जिन्होंने कोरोना काल में, कल जिसकी बात अखिलेश यादव उठा रहे थे, मैं सत्य के साथ खड़ा होता हूं। अब हमारे पास उतना बड़ा अगर बजट है, जब नहीं था तो हम मन महसूस के रहते थे, आज अगर हम ये गर्व करते हैं कि 6 लाख करोड़ का बजट है हमारा, तो फिर इन सबकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए क्या उसमें? अशोक पांडे जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसको सुधार होगा निश्चित तौर पर, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की निगाह में होगी बात, और इस पर आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, वो ऐसा संभव नहीं है कि वो एकदम इनको इस तरह से निरीह छोड़ दें, इन बुनियादी प्रश्नों को भी उन्होंने अपने दिमाग में जरूर रखा होगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक मिसलेनियस बजट जिसमें गंभीर रोग से ग्रसित लोगों के लिए रखा है, या कर्मचारियों के इलाज के लिए जो बजट रखा है, उसमें कोई प्रोविजन उन ड्राइवरों के लिए जरूर होगा, क्योंकि इस बात जो ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, रुको भाई, अब ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि वो ड्राइवरों के लिए